गुरचरण सर, जहाँ तक लॉकडाउन 3 की बात है, मेरे ख्याल से जब लॉकडाउन फर्स्ट जो है वो शुरू हुआ था, तो उसी के बाद जो है लॉकडाउन 2 और अब 3 की जो है वो नौबत इसलिए आई कि जो है लोगों ने तब भी जो है एहतियात में कोताहियाँ बरती। तो अब जो काफ़ी हद तक हमने इस कोरोना की वबा पे जो है वो लॉकडाउन की वजह से काबू पाया है, लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि जिस तरह से लोगों में अब भी अवेयरनेस नहीं है और खुले में वो घूम रहे हैं, कोई मास्क जो है वो उसका इस्तेमाल ज़्यादा नहीं कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद इनको ये अभी इस चीज़ का इलम नहीं है। और साथ ही साथ मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा, जहाँ तक हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, चाहे इसमें DDC हमारे हों या SSP साहब हों, उन्होंने बाखूबी अपने काम को अंजाम दिया है और बड़ी सख्ती से उन्होंने जो है इस अपनी मुहिम को जारी रखा, और जिसका नतीजा यह है कि हमारा डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है अभी ग्रीन जोन के अंदर है। लेकिन अब दुख की बात यह है कि लोगों को अब भी समझ नहीं आ रहा है कि इतनी जानलेवा ये बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक नहीं है और वो खुले में ऐसे घूम रहे हैं तो दूसरों के लिए भी परेशानी का बाइस बन रहे हैं। जहाँ तक डिपार्टमेंट मुख्तलिफ एडमिनिस्ट्रेशन का सवाल है, तो उन्होंने मरहला वाइज सिलसिलावार जिस तरह से दुकानों को खोला है, तो मेरे ख्याल से लोगों को ये चाहिए कि वो बगैर मतलब के, बगैर ज़रूरी काम के वो घरों से बाहर ना निकलें। और जिसके लिए आज जो 3rd फेज़ में जो है लॉकडाउन आया है और जो पूरी जो है वो कामयाबी अब तक जो हमने हासिल की है, उस पर कहीं ये पानी ना फेर दे। देखिए, ऐसा है, मैं नहीं मानता हूँ कि कॉपरेशन नहीं मिल रहा है। इतना ज़रूर है कि लोगों की जो ज़रूरत हैं उनको देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन जो है वो दी गई थी रिस्ट्रिक्शंस को लेकर के, जिसमें जो दुकानें हैं उनको खोलने का था, इसके अलावा जो बाकी एसेंशियल सर्विसेज हैं उनको चलने के लिए जो भी ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो पास ऑन हुई थी, और उसके चलते हुए लोग जो हैं वो काफ़ी तादाद में जो है वो एडवाइजरी को मान रहे हैं। अलबत्ता किसी जगह पे या किसी लोकेशंस पे ज़रूर ये देखा गया है, स्पेशली बैंक्स के बाहर या बाज़ार में, जो क्योंकि बाज़ार बड़ा संकरा सा है, तो वहाँ पे कुछ लोग हैं जो कोई सोशल डिस्टेंसिंग जो हैं वो उस तरह की मेंटेन नहीं कर रहे हैं। मेरी भी लोगों से यही अपील है कि ये जो सारी रिलैक्सेशंस मिली हैं ये सिर्फ़ आपकी ज़रूरियात को देखते हुए मिली हैं, और हम यही चाहते हैं कि लोग जो हैं वो इसमें ज़्यादा सफ़र ना करें। बट अगर कुछ जो लोग हैं वो इसमें फॉलो नहीं करेंगे तो कोई हो सकता है फिर से कोई सख्त कदम उठाना पड़े, या फिर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उनमें फिर कोई स्ट्रेंथनिंग करना पड़ी। और जो फ्रिक्वेंट वायलेटर्स हैं उनके खिलाफ भी हम लोग जो हैं पहले भी कार्रवाई करते आ रहे हैं और आगे भी कार्रवाई जो है वो चलती रहेगी।